जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे कि थंबनेल में मैं लिख के रखा है फ्री में जींस। सही में फ्री में जींस। और ये जो वीडियो आज होने वाला है, इस टाइप का वीडियो मेरा चैनल पे ऑलरेडी एक साल पहला एक अपलोड किया था, 20 रुपया में जींस पैंट। तो ढेर सारे जो मेरा व्यूअर्स है, ढेर सारे जो मेरा सब्सक्राइबर है, उनमें से कुछ लोग है मेरे को बोला था ये वीडियो फेक है। तो दोस्तों ये जो पैंट है आप देख रहे हैं, ये पैंट COVID-19 जब पहला COVID-19 शुरू हुआ था उस टाइम का मैन्युफैक्चर है, और उस टाइम का ये कलर करके पन्नी का अंदर डाल के स्टॉक पड़ा था। तो अभी ये 2 साल हो गया है, 2 साल का बाद ये पीस बिका नहीं है, मतलब ये मार्केट में नहीं गया, अपना गोदाम में ही पड़ा था। तो उसको निकाला तो ये ऐसा डैमेज हो जाता है, ये खास करके ये कलर। और एकदम लाइव डेमो में आपको फाड़ के दिखाता हूँ, एकदम न्यूज़पेपर जैसा फट जाता है। ये देखो, देखा। तो ये जो जींस पैंट ऐसा फट जाता है, और क्यों फटता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एकदम लाइव डेमो है। आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को कमेंट्स किया था भाई वो वीडियो फेक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसको थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। आपको जींस पैंट के बारे में ऐसा ही छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए। न्यूज़पेपर का जैसा फट रहे है। तो ये क्यों फटता है, ये मेरा जो सामने वाला ब्रांड है वहां से मेरे को 20 पीस फ्री में मिला। इसके लिए मैं थंबनेल में लिख के रखा है फ्री में जींस। ठीक, देख सकता है ये पीस का हालत देखो। अभी जींस पैंट आप मार्केट से खरीद के लेके आएगा और उसको पहनने का बाद किधर बैठा या घुटना को ऐसा मुड़ा और ऐसा फट जाए तो कैसा लगेगा। सामने वाला तो इतना फटने वाला जींस आपको वापस लेगा ही नहीं है। तो आइंदा आज से जींस पैंट खरीदेगा तो ये जो कलर है, खास करके ये कलर थोड़ा देख के लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज से एक साल पहला जब मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो का थंबनेल है 20 रुपया में जींस। उस वीडियो में मेरे को ढेर सारे जो मेरा व्यूअर्स है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, वो ढेर सारे मेरे को प्यार दिया है, और बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार दिया है। इसके लिए आज ये भी वीडियो बनने जा रहा है, उस टाइप का वीडियो है। फिर भी बहुत जने जो मेरा व्यूअर्स है उन्होंने बोला था ये वीडियो फेक है। तो आज मैं एकदम डायरेक्ट लाइव डेमो दिखाऊंगा, और 21 पीस मेरे को फ्री में मिला मेरा कंपनी का तरफ से। और इस 21 पीस को मैं एक एक करके फाड़ के आपका सामने बताऊंगा जो ये वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि ये आपका सामने एकदम कैमरा का सामने हो रहा है, आप देख सकते हैं ये फेक वीडियो नहीं है। तो दोस्तों ये जो कलर है, ध्यान से आप गौर से देख ले, ये जो कलर है, खास करके जो डेनिम जींस होता है जिसका कलर ऐसा कलर कंपनी से नहीं होके आता है, ये जो कलर का ऊपर ब्लैक थोड़ा व्हाइटनेस है, ये जो क्रिएशन है, ये पीस रेडी होने के बाद, पीस जब बनाया जाता है, सिलाई किया जाता है, उसका बाद इसको कलर का प्रोसेसिंग पे भेजा जाता है। और जींस का जो कच्चा फैब्रिक रहता है वो नेवी ब्लू कलर का रहता है। वो जो नेवी ब्लू कलर है वो भी एक केमिकल है, इंडिको बोलता है। और जींस पैंट ऐसा एक चीज़ है जिसका ऊपर अलग अलग क्रिएशन, बिस्कार टेकिंग, अलग अलग कलर का क्रिएशन किया जाता है। इसके लिए जींस पैंट ज़्यादा पॉपुलर है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जींस पैंट कलर अलग अलग क्रिएशन करके अलग से एक लुक दिया जाता है और पहनने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों ये जो आपका सामने ये जो पीस फट रहा है, ये COVID-19 जब पहला शुरू हुआ था उस टाइम का पीस है। उस तभी से ये पीस बना के इसको प्रेस करके, धागा वागा काट के प्रेस करके, पैक करके पन्नी के अंदर, जैसा पैकिंग होता है कंपनी में, वो तो पैकिंग करके गोदाम में पड़ा था। और कुछ कारण था इसका, जो ये पीस सेल नहीं हो पाया या एक कोने में पड़ा था, इसके लिए इसको सेल नहीं हो पाया। तो 2 साल बाद इसमें नज़र पड़ा तो देखा ये पीस डैमेज हो गया, क्योंकि ये जो कलर का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सोडियम केमिकल का यूज़ किया होता है। और ये एक्चुअल में जींस का जो कलर है
वो कलर तीन कलर में आता है, तीन कलर ही इसमें सही रहता है, जैसा कि एक ब्लू, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू और एक मीडियम ब्लू, जिसको हम हमारा जो मैन्युफैक्चर का भाषा है भाषा में बोलता है केमिकल वन, केमिकल टू और केमिकल थ्री, जिसको हम स्टोन कलर बोलता है, एकदम स्काई ब्लू कलर, और उससे एक डार्क, उससे और डार्क। ये तीन कलर जीन्स पैंट शुरू शुरू में जब जीन्स पैंट आया था मार्केट में तभी ये तीन कलर होता है होता था, और अभी ज़्यादा फैशन दिखाने के लिए, ज़्यादा कलर क्रिएशन, ज़्यादा क्रिएशन, ज़्यादा वेराइटीज़ बनाने के लिए अभी ये डेनम जीन्स को ढेर सारे कलर ज़बरदस्ती दिया जाता है, कुछ केमिकल का माध्यम से, कुछ कलर का माध्यम से, कलर समझो केमिकल ही है वो। तो ये जो कलर है इसमें सोडियम पड़ता है ज़्यादा मात्रा, दो और एक केमिकल है, दो केमिकल का मात्रा मिक्स करके इसको अलग से ब्लैक कलर किया जाता है, और इसमें मशीन का माध्यम से, मशीन में डाल के ब्लैक कलर करने का बाद इसको फिर ऐसा थर्मोकोल का बॉल होता है, बॉल में और टैकिंग में, दूसरा अलग अलग प्रोसेस में इसको ब्लास्ट कलर किया जाता है, यानी जो वाइट वाइट जो है ये पीपी केमिकल से भी बनाया जाता है, और इसको स्प्रे टैकिंग सब किया जाता है। तो ये पीस समझो आज मैन्युफैक्चर हुआ, और आज मैन्युफैक्चर हुआ और छः महीना, तीन या छः महीना का अंदर अगर कोई ग्राहक इसको ख़रीदा, खरीद के पहनना चालू किया, तो पहनते अब जीन्स पहनेगा, मैला होएगा, फिर धुलाई करेगा, साबुन से धोएगा या डिटर्जेंट से धोएगा, फिर सुखाएगा, फिर पहनेगा, तो ये पीस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर ये पीस गर्मा गर्म प्रेस करके पन्नी के अंदर डाल के आपका गोदाम में या आपका रिटेल शॉप में या आपका होलसेल शॉप में अगर साल, एक साल या दो साल ऐसा ही पड़ा रहेगा पन्नी के अंदर, तो ये जो धागा है, ये जो सोडियम केमिकल, ये जो धागा से ये फैब्रिक बना हुआ है, इस फैब्रिक को ये खा जाता है, ठीक है, मतलब डैमेज करने लगता है। तो जैसा कि कागज़, जो कागज़ होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें माचिस का तीली से जला देगा, तो जलाने का बाद उसमें राख जैसा बन जाता है, तो ये भी उस टाइप का ही, उतना हद तक नहीं होता है, ये कुछ वही प्रोसेस होता है उसमें, इसमें भी। तो ये धीरे धीरे ये धागा का जो क्षमता है, धागा का जो पावर है, वो ख़त्म हो जाता है, तो ये फटने लगता है। तो मेरे को लगता है आप फेक वीडियो, वो वीडियो को मेरे को फेक वीडियो बोला था, तो आप इसको टेस्ट कर सकता है, आप बाज़ार में से ये सेम कलर का पीस खरीद के आप अपना घर में कबर्ड में, बॉक्स में या कहीं पे भी पन्नी का अंदर पैक करके रख देगा, और एक साल या दो साल का बाद आप खोल के ऐसा फाड़ेगा तो जैसा कागज़ जैसा फट जाएगा। तो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, कागज़, एक कागज़ को फाड़ने के लिए कितना ताकत लगता है, ये जो जीन्स पैंट है ये उतना ही ताकत लगता है फाड़ने के लिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कितना हद तक जानकारी आपको मिला है और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट्स करके ज़रूर मेरे को बताना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना, और आज का लाइक का टारगेट है 5000, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका सामने है, ये लाइव डेमो है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया, ये जो कलर, ये केमिकल लोचा, और इसमें हवा पानी ना लगने में ये जो पीस ऐसे ही डैमेज हो जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा चैनल पे जीन्स पैंट के बारे में जो वीडियो आपको मिलेगा, शायद यूट्यूब में क्या पूरा सोशल मीडिया में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ कोई भी नहीं बताता है, ये सब चीज़ खाली आपको FM फैशन चैनल पे मिलेगा ये सब जानकारी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला। अभी जीन्स पैंट खरीदने जाएगा तो ये जो कलर है ये कलर देख के चेक करके खरीदना, क्योंकि ये जो कलर है जब मैन्युफैक्चर होता है 5-6 महीने का अंदर अगर ये पीस बिक गया, और इसमें पानी का यूज होता है, जैसे कि आप पीस को पहना, खरीद के लगाए, लेके आया, पीस को पहना, फिर धुलाई किया, फिर पहना, फिर धुलाई किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसा कि ये मैन्युफैक्चर होके डाइंग होके आता है तो पन्नी का अंदर पैक होके पड़ा रहेगा साल, एक साल, डेढ़ साल, उसका बाद इसमें एक केमिकल रहता है, वो तो मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, वो केमिकल के वजह से ये पीस आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डैमेज होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना।
बाय बाय, टेक केयर।